वैसे ये फरमाइएगा, ये रिलीज आज आपने निकाली और इमरान खान साहब ने बड़ा क्लियरिटी के साथ कहा कि मुझे फांसी लगा दिया जाएगा, लिहाजा जो मुझसे मोहब्बत करते हैं उनको निकलना चाहिए और पाकिस्तान को गुलामी से आजाद करना है उसके लिए आप लोग बाहर निकलें। फिर उनका ये भी कहना था कि अगर उम्मीदवार बाहर नहीं निकलेंगे तो उनके टिकट भी वापस हो सकते हैं, लेकिन इसके बावजूद रिलीज नहीं निकल सके। देखिए, इस तरह है कि जिस तरीके से ये हालात हैं, जिस तरीके से हमने देखा है कि जो बाज़ जगह पे ठीक है उतनी बड़ी तादाद में नहीं निकली होंगी, लेकिन रैलीज हर जगह निकली हैं, पंजाब में भी निकली है, सिंध में भी निकली है, बलूचिस्तान में, केपी में, हर जगह निकली है। रैलीज नहीं कहा जा सकता। देखिए बाज़ आप देखें ना, सिंध में क्या हुआ है, कराची में क्या हुआ है, सर वो SHO को देखें, क्या तशद्दुद किया गया है, क्या तशद्दुद। देखिए एक बात, इससे कोई नहीं, इससे देखिए इससे बात बने, आप इससे ना करें। उन लोगों ने, पुलिस वालों ने डायरेक्ट स्टार्ट किया था, उसके बाद ये होता है। यहां तक कि जब पुलिस वाले उनको वैन में बिठा रहे थे तो पुलिस वाले खुद कह रहे थे कि जी ये हमारी मजबूरी है ये करना। मतलब जब पुलिस वाला ये कह रहा हो कि हमारी मजबूरी है करना, इसका मतलब है उनको ऑर्डर्स आए हुए कि ये करना है। ऐसा स्टेट स्टेट होती है, आप अमेरिका से कर रहे हैं। स्टेट डजंट मीन स्टेट डजंट मीन कि वो पुलिस कहता है ना सर। नहीं 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 नहीं, आपको फ्रांस में, आपने देखा नहीं है फ्रांस में क्या हो रहा था? फ्रांस में जब वो पुलिस वाले उनको कर रहे थे तो आगे से वो लोग क्या कर रहे थे, पथराव कर रहे थे, क्या नहीं कर रहे थे। देखिये बाज दफा आप ये कहते हैं जस्टिफाइड है, नहीं जस्टिफाइड नहीं है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ जस्टिफाइड है, मैं यह कह रहा हूँ कि जो आप कह रहे ना वो कहते फ्रीज टू फ्रीज 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 में, और इसके लिए पॉलिटिकल की जो रैलीज होती है उसमें आप आम तौर पे पुलिस ना लाठी चार्ज करती है ना आंसू गैस करती है, वो साथ खड़ी हो जाती है, वो एक लाइन बना के, उससे ज्यादा कुछ नहीं करती। जब आपके वर्कर लाठियां लेके आएंगे डॉक्टर साहब तो क्या करेंगे? इससे झूठ है, कोई ऐसे लोगों ने किससे मारा फिर उन्होंने पुलिस वालों को? 7 पुलिस वाले जख्मी हुए, 7 पुलिस वाले जख्मी हो सकते हैं, कुछ और बात हुई हो कुछ और, लेकिन आपने ये देखना कि किस तरीके से स्टार्ट हुआ, क्या हुआ था। आपको अच्छी तरीके से याद है 25 मई को जब हम लॉन्ग मार्च के लिए किए थे तो 23 मई से लोगों को घरों से उठाना शुरू कर दिया था। दरअसल और फिर बहुत सारे ऐसे इंतखाबात पाकिस्तान में होते होते रह गए, जैसे इस्लामाबाद के लोकल गवर्नमेंट इंतखाबात पोलिंग से 3 दिन पहले पोस्टपोन कर दिए गए, और पंजाब असेंबली के इंतखाबात नहीं हो सके, केपीके के इंतखाबात नहीं हुए, जो ये इंतखाबात हैं जो नवंबर में होने थे वो नहीं हो सके। तो मैं समझता हूँ एक गैर यकीनी की कैफियत की वजह से कैंडिडेट अपना इन्वेस्टमेंट करने से थोड़े हिचकिचा रहे हैं कि अगर हम बहुत बड़ी एफर्ट करें, पैसे लगाएं और फिर नतीजा कुछ और निकले। और एक और फैक्टर भी है कि देखिए पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज और इवन पीपल्स पार्टी JUIF ने भी बहुत देर से कंपेन शुरू किया, क्योंकि कैंडिडेट्स को फाइनल करना, सीट एडजस्टमेंट करना, और फिर ये कि कुछ जो ताकतवर हल्के हैं उनके साथ लेन देन की बात होगी, उनके पसंदीदा उम्मीदवार कहाँ से खड़े होंगे, कहाँ से नहीं खड़े होंगे। तो ये बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स हैं जिनकी बिना पर अवाम की दिलचस्पी तो बहुत ज्यादा है। अगर वो देखें, अगर सोशल मीडिया को देखें तो अवाम की दिलचस्पी बहुत ज्यादा है इंतखाबात में, क्योंकि अवाम समझते हैं कि उनके बहुत सारे जो मसले हैं, इकोनॉमिक है, प्राइस हाइक है और गुर्बत है, बेरोजगारी है, उनका भी ख्याल है कि लोगों का कि अगर इंतखाबात हो जाएंगे तो स्टेबिलिटी आएगी, स्टेबिलिटी आएगी तो फिर इकोनॉमिक डेवलपमेंट भी शुरू होगी। तो मैं ये समझता हूँ जैसे अभी जमशेद साहब फरमा रहे थे कि सोशल मीडिया का बहुत बड़ा रोल है, लोगों को एक लिहाज से एक्टिवेट भी किया हुआ है, लेकिन जो उनकी फिजिकल प्रेजेंस है ऑन द स्ट्रीट्स उसको गालिबन उसको डिमिनिश भी किया है। साहब आप ये फरमाइएगा सर, ये आज एक तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जो रैली निकाली थी, सबसे अच्छी जो रेशियो थी वो खैबर पख्तूनख्वा के अंदर है, तो कहां कहां रैली निकली, क्या नतीजा निकला ये, और वो गहमा गहमी जो इलेक्शंस के साथ जुड़ी हुई है वो क्यों नहीं नजर आ रही? देखिए एक तो शुक्रिया चौधरी साहब मुझे अपने प्रोग्राम में बुलाने का। जो आज हुआ है वो इतना जबरदस्त नहीं है PTI के लिए, किसी भी हिसाब से एक मकबूल जवाब जो है PTI वो समझी जाती है खैबर पख्तूनख्वा की। अगर मैं आपको सिर्फ पेशावर की बात बताऊं तो आप GT रोड पूरा दिन ट्रैफिक के लिए खुला रहा और PTI के लोग वहां पर जमा ही नहीं हो सके। जहां पर ये जमा हुए थे वो बलगाव रोड है, रिंग रोड एक साइड पे एरिया है, अभी उधर जमा हुए थे और वहां पे भी उन्होंने जो है वो तशद्दुद किया पुलिस वालों से और उसके लाठीचार्ज से खत्म हुआ।
अब जो गर्मागर्मी की आप पूछ रहे हैं तो एक तो उसकी बड़ी वजह यह है कि लोग सोशल मीडिया पर अपना गुजार निकाल लेते हैं और उनके लिए एक प्लेटफॉर्म मुहैया है फेसबुक के ट्विटर की शक्ल में और दूसरे जो सामाजिक रबते के वेबसाइट हैं उन पर वो अपनी दिल की बड़ास निकाल लेते हैं। खैबर पख्तूनख्वा में हजारा के अलावा बदकिस्मती से सिर्फ बिलावल भुट्टो जरदारी ने बड़े जलसे किए हैं और प्रॉपर कंपेन चलाई है, उसके अलावा किसी भी जमात ने उस तरह की कंपेन नहीं चलाई। जे यू आई की अपनी मुश्किल है, उनको दहशतगर्दी का खदशा आपको याद है, उनको काफ़ी निशाना बनाया गया पिछले दो साल में, जो सबसे बड़ी खतरनाक तंजीम है इस इलाके की दहशत ने उन्होंने काफ़ी निशाना बनाया। अगर ये कहा जाए कि पीटीआई अभी भी खैबर पख्तूनख्वा की वो जमात है जो खुलकर सब कुछ कर रही है। आज के एपिसोड को छोड़ के मतलब है कि आज वो रैली निकाल रहे थे, वो थोड़ा तशद्दुद उसमें हुआ, लेकिन अगर आप देख लें तो हर जगह पे ये अपने जलसे करते हैं। शेर अफजल मरवत जो है वो एक बड़ा राउंड लगा के गए हैं और अगरचे थोड़े उन पर मुकदमात हुए हैं दफा 144 वगैरह के, लेकिन कोई उनके जलसे में रखना डालने की कोशिश नहीं की गई। इसी तरह परसों बलकान में भी पीटीआई ने एक बड़ा जलसा किया है और उनके जो उम्मीदवार हैं वो जलसे कर रहे हैं। जो सूरत हाल पंजाब में है उसके बरस खैबर पख्तूनख्वा में उस तरह पीटीआई को हिट नहीं किया गया और ना उनको मतलब है तेमू झगड़ा जिनको कहा जाता है कि वो उनके खिलाफ इतने सारे मुकदमात हैं, वो आते हैं जलसा करते हैं, कभी दौड़ लगाते हैं, कभी अपने हल्के हैदराबाद में फिरते हैं, सबसे पोश एरिया है पेशावर का, तो उस तरह उनको वो नहीं किया गया। और जो गर्मागर्मी की एक बड़ी वजह ये भी है कि जो सियासी पार्टियां थी उनको ये आखिर तक यकीन था कि शायद इलेक्शन ना हो और जो कंफ्यूजन है या जो मखमसा था वो भी उनको ले डूबा। फिर एक ये भी एक वजह हो सकती है कि बहुत सी पार्टियों ने पिछले 5 सालों में मुख्तलिफ तरीकों से अपनी लोकल सतह पे कंपेन चलाई, लेकिन आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है कि जो जलसे हम देखते थे खैबर बाजार में, इमरान खान आए बड़ा जलसा किया, नवाज शरीफ आए, उससे पहले मोहतरमा बेनजीर आते थी, तो उस तरह के वो जलसे नहीं है। सिर्फ बिलावल को ये क्रेडिट जाता है जो नेशनल लीडर है कि उन्होंने खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ हिस्सों का दौरा किया। अब मुझे ना सरवर भाई साहब की तरफ जाने दें, जमशेद साहब मैं आपके पास एक कुछ सवाल भी छोड़ के जा रहा हूं कि एएनपी क्यों नहीं जलसे कर रही, जेयूआई क्यों नहीं कर रही और परवेज खटक साहब क्यों नहीं कर पा रहे, ये सवाल आपके पास छोड़ के मैं सरवर भाई साहब की तरफ जा रहा हूं। सरवर भाई साहब ये फरमाइए सर, वो जो गहमा गहमी होती थी इलेक्शंस के अंदर वो क्यों नहीं है? क्या स्पिरिट लूज कर गए हैं सारे सियासतदान और सियासी जमातें या फिर आवाम अब इनके साथ बाहर निकलने के लिए तैयार नहीं? देखिए दो तीन फैक्टर हैं बुनियादी तौर पर। पहला फैक्टर तो ये है कि आपने अभी जो बताया कि जो रेशियो है पर सीट वो बहुत ऊपर चलेगी और गहमा गहमी कम है, तो ये रौनक कम होगी है, उम्मीदवार ज्यादा हो गए हैं और ये भी सोचना बहुत जरूरी होगा कि आखिर उम्मीदवार ज्यादा क्यों हो गए हैं जबकि जो फिजा है और जो इलेक्शन का होना या ना होना वो मशकूक अभी तक चला आ रहा है। अभी भी लोग पूछते हैं क्या इंतखाबात 8 फरवरी को होंगे या नहीं होंगे। तो एक तो बुनियादी वजह मेरे नजदीक उम्मीदवारों के लिए भी और जो उनके हामी है उनके लिए भी है कि अगर उनको गारंटी नहीं है, जैसे कि 2018 में था, पता था कि फलाना तारीख को इंतखाबात में लाजमन होना है, 2013 में भी ऐसी बात थी, 2008 में भी था, तो